स्वागत बंधन। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरओ भाग 2 की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जो पाठ है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काव्य खंड गोस्वामी तुलसीदास जी और कविता। मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय और उनकी जो कविता बनी है उसके कुछ दोहों को मैंने आपको पढ़ाया था, अब उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भी, बली बनिक को बनिज, ना चाकर को चाकर, जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहां जाए का करी, वेदों पुराण कहीं लोगों को विलोक किया, साथ में सबाई पे राम राम रे टपा कर, दारिद दशानन गवाई दुनी दीन बंधु, दुरत गह देखी तुलसी हाहा कर। शब्दार्थ ये मैंने आपको बताया था, बलि दान दक्षिणा, बनिज व्यापारी बनिया, बनिज व्यापार, चाकर नौकर चाकरी नौकरी, जीविका रोजगार विहीन रहित, सिद्धिमान कष्ट दुखी, सोच विचार चिंता, एक एकन में सो एक दूसरे से आपस में परस्पर, जाए यानी जाए, करी माने कि करें, वेदों वेद पुराण पुराण, लोकों लोक में भी विलोक किया देखते हैं, चाकरी संकट में दार गरीबी दशान ब्राह्मण भूमि जंग जग या संसार, दीन दुनिया दीन बंधु दुखियों पर कृपा करने वाला, दुर पाप दहन भस्म करना जलाना समाप्त करना, हा करी चंद्र में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया प्रसंग यहाँ पर समझिए, प्रस्तुत कवि में तुलसीदास जी ने अपने समय के समाज में व्याप्त बेरोजगारी और उसके उत्पन्न गरीबों की दार दशा का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या समझिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी और बेकारी का घोर संकट फैला है, किसी भी हाथ के लिए कोई काम नहीं है, लोग काम धंधे के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं, किसान के लिए खेती करने की कोई व्यवस्था नहीं है, वह खेती की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में चाहते हुए भी जमीन पर उपज नहीं उगा पा रहा, ठीक है, भिक्षा मांग कर अपना भरण पोषण करने वाले भिखारी के लिए भी कहीं कोई भिक्षा अथवा दान दक्षिण नहीं देता, कोई दे भी दे तो कैसे, जबकि उसके स्वयं के पास अपने ही लिए कुछ नहीं है, व्यापारी के लिए व्यापार करने के अवसर समाप्त हो चुके हैं, वैश्य वर्ग चाहते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते व्यापार नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में नौकरों के लिए नौकरी भी ढूंढे नहीं मिल रही है, एक सबसे दुखी परेशान लोग जिनके आजीविका का कोई साधन नहीं है गहरी चिंता में डूबे हुए हैं, वे दूसरे से पूछते फिरते हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में आखिर वे कहाँ जाएं, क्या करें, अभिप्राय यह है कि काम धंधे के अभाव में समाज का प्रत्येक वर्ग अत्यंत दुखी और कैसे है गहरे संकट में। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे आराध्य राम, कौन है प्रभु राम, वेद पुराणों में कहा गया है और लोक में भी यही देखने सुनने को मिलता है कि जब घोर संकट काल में प्रभु राम ही सभी पर अपनी क्या करती कृपा बरसाते हैं, हे दीनों के दीना नाथ, इस समय दरिद्रता रूपी ब्राह्मण ने संसार में सभी को अपने बाहुपाश में कसा हुआ है, अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग में क्या गरीबी का साम्राज्य व्याप्त है, तुलसीदास जी अत्यंत विचलित हो प्रभु राम से अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि आप तो पापों का नाश करने वाले हो, आपसे प्रार्थना है कि आप हमें इस घोर कष्ट से क्या करिए उबारिए। काफी सुंदर तत्कालीन समाज में व्याप्त बेरोजगारी का वर्णन है, गरीबों की दारुण दशा का सजीव चित्रण हुआ है, प्रभु राम से गरीबी रूपी रावण से मुक्ति प्रदान करने की विनती की है, दारिद्र दशानन और दुर्ग दहन में रूपक अलंकार है, पूरे कवित्व में अनुप्रास अलंकार की छटा है, कवित्व छंद है, तत्सम शब्दावली युक्त लालित्य पूर्ण भाषा है, सुंदर सामाजिक बिंब अत्यंत सटीक और सार्थक बन पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर यह है, दूत कहो अब दूत कहो, राजपूत कहो जो लहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह।
जाकु रुचैसु कहे कछु ओहु मांगी कै खैवो मांगी कै खैवो मसीत को सोवो सोईबो लैवो को एकु न दैवो को दो शब्दार्थी दूत त्याग त्यागा हुआ अब दूत सन्यासी राजपूत राजपूत दुल्हा दुलाहा जो कपड़े बुनने वाले को काहू की किसी की ब्याह ब्याह कराना शादी कराना बिगार बिगाड़ना सरनाम प्रसिद्ध नाम लोकप्रिय नाम गुलाम दास भक्त रुचि अच्छा लगे जमे ओ और हैवो कहने खाना मसीद मस्जिद सोईबो सोना और लैगो को एक ना दैगो को दो ना लेना एक ना देना दो ये क्या है प्रकार की लोकोक्ति है क्या है लोकोक्ति संदर्भ प्रस्तुत समैया हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह संकलित कवितावली के उत्तर कांश उद्धृत है इसके रचयिता कौन है तुलसीदास जी प्रसंग प्रस्तुत समैया छंद में राम भक्त तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति अनन्य भक्ति का वर्णन किया है साथ ही तत्कालीन समाज में जात जाति प्रथा से स्वयं का कोई लेना देना नहीं होने की क्या की बात कही गई है व्याख्या समझिए राम भक्त तुलसीदास जी भगवान के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन समाज में व्याप्त जातिवाद का खंडन करते हुए कहते हैं कि लोग उन्हें चाहे त्यागा हुआ कहें या सन्यासी जाति से राजपूत समझें या दुलाहा मुझे तो इन सब में कोई असर नहीं पड़ता मेरे ऊपर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या कहता है मुझे तो अपनी जाति अथवा नाम की कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का क्या नहीं कराना है विवाह नहीं करना है और ना किसी जाति की जाति बिगाड़नी है ना ही किसी की जाति बिगाड़नी है मैं तो भगवान राम का कौन हूँ दास तुलसीदास हूँ कोई भी यदि मुझे किसी और नाम से पुकारे तो पुकार सकता है मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुलसीदास जी साधु प्रवृत्ति के अनुरूप आगे क्या कहते हैं कि मैं तो भिक्षा मांगकर अपनी भूख शांत करता और मस्जिद में क्या करता हूँ सोता हूँ जातिवाद के और नाम के बंधन में फंसे इन लोगों से मुझे कुछ भी क्या नहीं है लेना देना नहीं अर्थात मुझे अपने आराध्य श्री राम के अतिरिक्त किसी और से कोई मतलब ही नहीं काफी सुंदर तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भाव का प्रदर्शन किया है समाज में व्याप्त जातिवाद रूढ़ियों का खंडन किया है कवि ने अपनी दास भक्ति का भावपूर्ण प्रदर्शन किया है कहू कोई काहू की कहे कछु इत्यादि अनुप्रास अलंकार की छटा है लेना ये ना देना दो लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग हुआ है सवैया छंद भाषा सरल सहज प्रभावपूर्ण ब्रजभाषा है और बिंब योजना अत्यंत सटीक और सार्थक है प्रस्तुत अब यहाँ पर देखिए लक्ष्मण मूर्छा और राम का मिलाप तब प्रताप और रात प्रभु जयहु नाथ तुरंत अस कहियाई सुपाई पद बंदी चले हनुमंत भरत बाहुबल सील कुल प्रभु पद प्रीति अपार मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार शब्दार्थ समझिए तब तुम्हारा आपका प्रताप यश प्रसिद्ध और हृदय राखी रख कर जय हूँ जाऊंगा नाथ स्वामी आज इस तरह आयस वाक्या पद चरण बंदी वंदना करके सील सद्व्यवहार गुण गुण प्रीति प्रेम अपार नंद जिसकी थाय ना हो महु मैं सराहत सहार सराहते हुए बड़ाई प्रशंसा करते हुए पुनि पुनि फिर बार बार पवन कुमार हनुमान जी संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से अवतरित है इसके रचयिता कौन है तुलसीदास जी प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध के समय जब शक्ति लगने से मूर्छित लक्ष्मण तथा तो इस प्रकार जो
कोई, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण मेघनाथ और लक्ष्मण युद्ध के समय जब शक्ति लग्न से मूर्छित लक्ष्मण और सुषेण देवी की तलाक पर संजीवनी लेने गए हनुमान जी को रास्ते में भरत से भी भेंट का वर्णन किया गया है। भरत हनुमान जी को अयोध्या के आकाश पर उड़ते देख कोई विशालकाय राक्षस समझकर उन पर अपना तीर छोड़ते हैं, जिससे हनुमान जी राम राम कहते हुए क्या हो गए, मूर्छित हो गए, हो जाते हैं। हनुमान जी के मुख से राम राम का उच्चारण सुनकर भरत ने राम का दूध समझते हुए शीघ्र ही होश में ले आते। हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। समय को तेजी से गति होता देकर हनुमान जी को पीठ पर बैठाकर प्रस्थान करने के लिए कहते हैं। वीर हनुमान उनके सुझाव को विनम्रता पूर्वक मना कर दे। व्याख्या, हनुमान जी भरत से विदा लेते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका यश अपने हृदय में सहेजकर शीघ्र ही अपने स्वामी भगवान राम के पास पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत से आज्ञा पाकर तथा उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहां से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में भरत के शारीरिक बल, वीरता और उनके सद्व्यवहार तथा अपने अग्रज भ्राता प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति उनकी अपार भक्ति प्रेम की मन ही मन बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी उड़ जाते। काव्य सौंदर्य, भरत के मन में अपने अग्रज भ्राता राम के प्रति अपार प्रेम का चित्रण हुआ है। हनुमान जी के द्वारा भरत के गुणों की सराहना की गई। हनुमान जी का अपनी क्षमताओं पर विश्वास प्रकट हुआ है। दुर्गा छंद है, पाई पद मनो में अनुप्रास और कुनी कुनी में कुंडुक्त प्रकाश अलंकार है। तत्कम शब्दावली का युक्त अविधि भाषा है। अंधा शब्द शब्द शक्ति और ध्वनि योजना अत्यधिक सटीक सुंदर और सार्थक है। अब यहाँ देखिए आप, वहां राम लक्ष्मण ही वे निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई का कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुख दे सकहु न दुखित देख मुनि काउ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागि तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतक वाता। चलिए सरदार समझिए, वहां वहां माने वहां, उधर दूसरी ओर निहारी देखा मनु अनुसारी मानो के अनुरूप रात की रात कपी बंदर हनुमान जी आयो आया अनु छोटा भाई लक्ष्मण लायो लगाना। सकाउ से मोही मुझे काउ यानी किसी प्रकार तब माने तेरा मृदुर कोमल स्वभाव स्वभाव मां मेरे हित स्वार्थ पक्ष में तदु त्यागना छोड़ना सहुक सहन किया विपिन जंगल आतक धूप वाता हवा तूफान। भगवान राम मूर्छित लक्ष्मण को सम्मुख लेकर देखकर सामान्य जन की तरह व्याकुल होकर कहते कि आधी रात बीत चुकी है, लेकिन अभी तक हनुमान जी संजीवनी नहीं आए। ऐसा कहकर राम क्या होते अत्यंत व्याकुल हो छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हाथों से उठाकर अपने हृदय से लगा लेते। सामान्य मनुष्य की तरह क्या करते हैं, वह विलाप करते हैं। करते हुए सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करते हुए प्रभु राम लक्ष्मण के मूर्छित शरीर से बात करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय मेरे प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सके। सदैव विपत्ति आने पर तुमने मेरे साथ सदैव के लिए खड़े रहे। मेरे लिए तुमने पूजनी पिताजी और माता जी तक को त्याग दिया था, तुम्हें छोड़कर मेरे साथ जंगलों में चले आए। यहाँ जंगलों में तुमने मेरे लिए भयंकर सर्दी गर्मी आदि तूफान को सहा। हे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, तुमने मेरे लिए अनेक कष्ट सहा। काफी सुंदर हनुमान जी के ना लौटने पर राम अत्यधिक चिंतित हुए। श्री राम ने अपने मुख से लक्ष्मण के सरल स्वभाव और उनके त्याग अवज्ञा किया वर्णन किया। भगवान राम द्वारा सामान्य मानव की तरह विलाप करने का प्रसंग अत्यंत कारुणिक बन पड़ा। चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार भी छटा है, करुण रस विद्यमान है, तत्व शब्दावली कवि भाषा है,
दृष्टिबिंब अत्यंत सटीक व सार्थक। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर कवितावली तुलसीदास जी द्वारा रचित जो दोहे हैं उनको पढ़ाया समझाया, और आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कॉपी किताब में लिखेंगे। धन्यवाद।